नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाम एनालिसिस बाय विंध्याचल ठाकुर पे। और आज आपको हम इस पाम को एनालाइज करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए समस्याओं का हल भी बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्थितियाँ क्या बन रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मनुबंध की रेखाओं की स्थिति। मनुबंध की रेखाओं की स्थिति जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है, करतल को अलग करने वाली रेखा एक शुक्र के क्षेत्र से निकल के आई है और एक चंद्र के क्षेत्र से। चंद्र के क्षेत्र की रेखा ने इस पे विजय प्राप्त किया है और वो आगे जाके दो मुही हो गई है, ठीक है। चंद्र यानी पुरुष का प्रतिनिधित्व, आगे जाके दो मुही मतलब बाद के उम्र में व्यक्ति के जीवन के समस्याओं को दर्शाती है। इसके अलावा नीचे की स्थितियों को देखें तो आयु रेखा काफी लंबी है और जीवन में सुख और दुख इस साथ साथ लगे रहेंगे। शुरुआती जीवन काफी सुखमय, जातक का जीवन शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा था, बाद में धीरे धीरे बहुत सारे वक्त के थपेड़ों ने इन्हें पीछे कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे की स्थितियों में सबसे पहले हम देखेंगे जीवन रेखा की स्थिति। जीवन रेखा की जो स्थितियां यहाँ पे बन रही है वे काफी अलग अलग है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कट्स के साथ ये नीचे की तरफ आई है, ऐसे आ गई यहाँ पे आ गई। मंगल के क्षेत्र की स्थितियां तो सबसे ज्यादा विपरीत, सबसे अधिक विपरीत है मंगल के क्षेत्र की स्थितियां। हाँ, तो इनसे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, इसमें दो रेखाएं एक साथ काम कर रही है। एक रेखा गुरु के क्षेत्र से आ रही है, दूसरी रेखा सामान्य तौर पे जो गुरु के और मंगल के मध्य के क्षेत्र से निकलती है वैसे आ रही है। मतलब व्यक्ति के जीवन में संस्कार हमेशा हावी रहने वाले हैं। कुछ भी चला जाए लेकिन अपनी इज्जत प्रतिष्ठा अपना सम्मान ये बचाने के लिए हमेशा तत्पर हमेशा परेशान। मतलब जैसे ऐसे हो जाता है ना कि आस पड़ोस के लोग या बगल के लोग या कोई भी आपको जो है सो आपको हानि पे हानि दिए जाए और आप अपना सोच के उन्हें माफ पर माफ किए जाओ, तो ऐसी प्रकृति होती है ऐसे लोगों की। मतलब खुद भी हानि सह के वो दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं और इस कारण इन्हें जीवन में तकलीफें उठानी पड़ती है। ऊपर से उसमें भी अव्वल है कि अगर देखेंगे तो इनकी मस्तिष्क रेखा सीधे जाके हृदय रेखा को टच कर रही है। मतलब प्रेम बहुत ही ज्यादा उमड़ता है जब उमड़ता है, जज्बातों में व्यक्ति ज्यादा बह जाते हैं जिस कारण इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आगे उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा के यहाँ पे सबसे पहले जो इसने मंगल के क्षेत्र से आके क्रॉस मारा है, इनके जीवन के शुरुआती क्षेत्र में ही है। लगभग जब इनका जीवन का 28 से 29 साल की उम्र में, उस समय से इनके जीवन में हलचल शुरू हो गई, परेशानियां शुरू हो गई। उसके बाद लगे हाथ 34-35 के एज में, उसके बाद 43-44 और उसके बाद नीचे तक की स्थितियों में, यहाँ भी आके दो मुही हो रही है। तो स्थितियां थोड़ी सी विपरीत ही हैं आपके लिए। शुक्र के क्षेत्र से जब इतनी ज्यादा परेशानी आए, जाल की स्थितियां बने तो आज व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। ऐसी स्थितियां बनती है कि आपको कानूनी रूप से थोड़ा ज्यादा परेशान कर सकती है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। फिट लाइन आपके चंद्रमा के क्षेत्र से निकली है, माता के क्षेत्र से, माता की तरफ से काफी व्यक्ति को जीवन में प्राप्ति हुई, काफी सुख की प्राप्ति हुई, पत्नी से भी जातक का काफी सहयोग। लेकिन चंद्र के क्षेत्र की स्थितियां बता रही है कि व्यक्ति के जीवन में उलझने अपार थी, ठीक है, शुरुआत से ही उलझने काफी, व्यक्ति का जीवन काफी संघर्षमय रहा है, ठीक है। व्यक्ति ने काफी स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, मतलब एकदम अप्रिशिएट करने लायक है कि उन्होंने इसे पार करा और जीवन को ये अपने आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे की यहाँ की स्थितियाँ देखें शुक्र की, तो स्थितियाँ तो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ी सी दुर्भर बन रही है। हम सीधे हम अब आते हैं सवालों पे कि आपके साथ क्या क्या आपके सवाल थे। तो 1 मिनट रुक जाइए, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है आपके सवालों के जवाब दे दूँ। सवाल आते हैं, हाँ जी, हाँ, मेंटली काफी ज्यादा परेशानी में रहते हैं, तो इसका क्या है? इसके लिए आपको दो चीजें मदद करेंगी, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ना, इनका जैसा स्वभाव है ये स्थितियां इनके साथ लगी रहेंगी, ठीक है। स्वभाव तो बदलने से रहा, इनका नेचर तो बदलेगा नहीं, तो स्थितियां इनके साथ बनी रहेगी। इसलिए अच्छा है कि सुबह सुबह योगा करें। इसके अलावा मैं कुछ रेमेडी वगैरह आपको व्हाट्सएप के द्वारा बता दूंगा, वो रेमेडी वगैरह ले आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए उसमें
स्थितियां बेहतर होंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके साथ लगी रहती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की बात करें तो स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी, यहाँ पे एक मिनट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको यहाँ पे जो स्थितियां बन रही है उसमें हृदय रेखा की स्थिति आपको जो पीछे की तरफ आ रही है इस समय जातक के जीवन में, इसमें प्रॉब्लम वगैरह दिख रही है। इसके अलावा मूत्र रोग वगैरह भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले हैं। सर के ऊपरी धड़ की समस्या भी, ऊपरी हिस्से में भी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं आपके साथ लगी रहेंगी। आप योगा वगैरह करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिनांशियली आपकी कैसी स्थिति रहेगी? तो फिनांशियली आगे कोई बहुत ज़्यादा इसमें सुधार नहीं दिख रहा है। अगर बात करें तो मैंने आपका बायां हाथ भी देखा है, वहाँ स्थितियाँ इससे बेहतर है। मतलब भविष्य में आप अगर कुछ करते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, तो भविष्य में आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो अपने आप को सही रास्ते पर अगर आप डाले रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। बाहरी लफड़ों से कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें, नहीं तो ये आपके लिए भविष्य में ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करेगी। सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करें, भावनाओं में बिल्कुल ना बहे, नहीं तो स्थितियाँ आपकी विपरीत हो जाएंगी। इसके अलावा आपका है, हाँ, हाथ में पैसा टिकता नहीं है, तो आपके चंद्र में मैंने बताया ही बहुत ही प्रॉब्लम है, इस कारण वो समस्या आती है। इसके अलावा लैंड प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम्स, मंगल की दोष यहाँ पे उपस्थित है। एकमात्र आपका मैं अगर बताऊँ ना तो बुध जो है ना, बुध और गुरु हल्का माने गुरु सम है, बस यही दोनों स्थितियां ना आपके पक्ष में है। इसके अलावा सारे ग्रह गोचर की स्थिति विपरीत ही जा रही है। वाइफ से संबंधित समस्या है तो समस्या रहेगी, वो खत्म नहीं होगी आगे। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। आपने शायद कोई अंगूठी भी कैरी कर रखी थी, अगर सूर्य से रिलेटेड था तो आप निकाल ही दो तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ शत्रु वगैरह आपके साथ परेशानी में रहते हैं तो वे हमेशा लगे रहेंगे, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन था, हाँ मैंने आपको बताया ही था शुक्र में आपके प्रॉब्लम है, तो अपने पराये हो, हर तरफ से आपको परेशानी आएंगी ही आएंगी। संतान के साथ जीवन में समस्या, संतान के साथ के लिए कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपकी संतान से संबंधित स्थितियाँ बेहतर है, संतान से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में नहीं आनी है, उस तरफ से आप निश्चिंत रहोगे। ठीक है, तो यही सब आपके थे, इसके जो भी समाधान है वे भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा आप योगा वगैरह करें, थोड़ा सा अपने आप को बदले, सोच को अपने बदले, हाँ है ना। और इसमें आपके जो संतान है उनको भी मदद करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं कहूँ तो दुनिया में किसके पास नहीं है, सबके पास अपने अपने सबके दुख हैं। कोई कितना भी अमीर है उसके पास भी अपना दुख है। तो कभी घबराए ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया। होता है सर, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही निकल जाती है। क्या करोगे, हमने अपने खुद से तो अपनी किस्मत तय करनी नहीं है, वो ऊपर वाला तय करता है। तो क्या होता है ना कि अगर कभी मिले ना तो बस यही समझो कि थोड़ा सबसे जो हार्ड वाला रोल था वो मुझे मिला, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मिले ना खुशी खुशी उसको करते चले जाओ। तकलीफ होती है, निश्चित होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बस अगर कैसे भी हमें वो पूरा करना ही है, भोगना ही है। ठीक है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। जब भाग नहीं सकते हैं तो थोड़ा हंस के ही कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, उसी में खुशी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो उसी में खुशी ढूंढो, मिल जाएगी, उसके बाद राह आसान हो जाएगी, रेखाएं हैं जी बदल जाएंगी, टेंशन नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करो, मिलते हैं फिर।